फ्लावर मटर की सब्जी ज्यादातर किसी को पसंद आती नहीं है, तो आज मैं सब्जी ऐसी तरह से बनाऊंगी कि हर एक को पसंद आ जाएगी। बस वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो और प्यारा सा कमेंट कर दो। तो मैंने 1/2 किलो फ्लावर लेके आई थी, इसको मैंने एक बारीक बारीक काट ली थी और अच्छे से क्लीन कर ली थी क्योंकि इसके अंदर कीड़े भी होते हैं। और मैंने इसके अंदर मटर डाल दी और एक अखा टमाटर और एक हरी मिर्ची। हरी मिर्ची जितनी आपको तीखी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है फ्लावर और मटर में ना तीखापन ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि स्पाइसी होटलों में बहुत अच्छा होता है। पाव भाजी जैसा खाते हैं उस तरीके का नहीं बनाएंगे, अलग स्टाइल का। तो बस मैंने एक जीरा डाल दी थी तेल में, फिर उसके बाद मैंने अक्की लाल मिर्ची और 3 हरी मिर्ची इनको काट के अच्छे से सौते कर ली। उसके बाद मैंने एक कांदा जो बारीक बारीक काट ली थी इन्हें भी डाल दूंगी और अच्छी तरह से लाल कर लूंगी। फिर उसके बाद मैंने जो इतनी सब्जी काटी थी इन सबको डाल दूंगी, फ्लावर मटर और आलू को। अब इनको डाल के अच्छे से भूंज लूंगी, इतना भूंजूंगी ताकि मेरी सब्जी सारी लाल हो जाए। सब्जी मेरी लाल हो गई थी, उसके बाद मैंने हल्दी डाल दी और मैंने धनिया पाउडर 1 चम्मच और स्वाद अनुसार नमक डालूंगी। इनको डाल के अच्छी तरह से भून लूंगी। ये सब्जी हर कोई बना सकता है, बैचलर हो या हाउसवाइफ हो, अपने हस्बैंड को ये सब्जी ज़रूर बनाना। हमें लगेगा नहीं कि हम फ्लावर वाली कोई सब्जी खा रहे हैं। अब ये सब्जी मेरी अच्छे से भून गई थी, इसमें मैंने एक टमाटर डाल दी वो भी बारीक काट के, इनको भी डाल दूंगी। डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। फिर उसके बाद मुझे थोड़ा तीखा और चाहिए था तो मैंने इसमें लाल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच। अब इसे 2 मिनट के लिए सीरो आंच पे पकने रख दूंगी क्योंकि ये सब्जी जल्दी गल जाती है। तो ये मेरी सब्जी बनके रेडी हो गई थी। हर कोई बना सकता है, बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है।